कोविड-19 वैश्विक महामारी के बढ़ते संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए महानगर के अंदर नगर निगम की 11 गाड़ियों से सैनिटाइजेशन का कार्य किया जा रहा है। इस संबंध में नगर आयुक्त अंजनी कुमार सिंह ने बताया कि जहां भी कोरोना के पॉजिटिव मरीज पाए जा रहे हैं उन जगहों पर बने हॉटस्पॉट कंटेनमेंट जोन सहित जहाँ पर लॉकडाउन किया गया है उन जगहों पर लगातार नगर निगम की टीम द्वारा सैनिटाइजेशन का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि शनिवार और रविवार को विशेष अभियान चलाकर पूरे शहर को पूरी तरह सैनिटाइजेशन किया जा रहा है। इस दौरान गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर आयुक्त अंजनी कुमार सिंह ने आम जनमानस से कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए आम जनमानस से अपील की है कि लोग बिना वजह अपने घरों से बाहर ना निकलें, आप अपने घरों में रहें, समय समय पर अपने हाथों को सैनिटाइज करें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर आयुक्त अंजनी कुमार सिंह ने कहा, सैनिटाइजेशन के लिए कुल 11 गाड़ियां हमारे पास हैं और आवश्यकता अनुसार इसमें 2 गाड़ियों की वृद्धि हो जाती है जब फायर ब्रिगेड की 2 एडिशनल गाड़ियां हमें मिल जाती हैं। तो इस प्रकार 11 गाड़ियों से लगातार हम लोग सैनिटाइजेशन का काम करा रहे हैं। जो लॉकडाउन की बात की आपने या कंटेनमेंट जोन की बात की है तो वो पूरे शहर में बन रहे हैं। इस पर डिपेंड करता है कि कहाँ पर कोविड पेशेंट मिल रहे हैं। कोविड पेशेंट मिलते ही कंटेनमेंट जोन बनता है और उसके बाद एक निर्धारित समय के बाद उस कंटेनमेंट जोन को यदि आगे कोई पेशेंट नहीं मिलता है तो उसको हटा लिया जाता है। ये एक अब लगातार रूटीन प्रक्रिया हो गई है जिस पर पुलिस विभाग, राजस्व विभाग और नगर निगम कर्मचारी काम कर रहे हैं और जो भी कंटेनमेंट जोन होता है हमारी कोशिश रहती है कि उसको पूर्णतया सैनिटाइज किया जा सके। इसीलिए शनिवार और इतवार को शासन के विशेष निर्देश पर विशेष अभियान चलाया जाता है और उस दिन कोशिश ये की जाती है कि पूरे शहर को सैनिटाइज कर दिया जाए। तो हम लगातार काम कर रहे हैं, सैनिटाइज कर रहे हैं। साथ ही गोरखपुर के सम्मानित निवासियों से ये अपील भी है कि वे अपने घरों पर रहें, बहुत आवश्यकता हो तब घरों से बाहर निकलें। घरों के अंदर रहेंगे तो उनको सैनिटाइजेशन की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जब आप बाहर निकलते हैं तभी इस बात की आशंका होती है कि आप किसी के संपर्क में आएँ और आप वायरस के वाहक बन सकें। तो ऐसा मत कीजिए, आप घर से न निकलिए, घर में सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, यही अपील है।